हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। उसी तैयारी को और ज्यादा जो है कम ज्यादा नंबर उठाने के लिए आपके लिए लेकर के आ गए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, जो कि शामिल होने वाला है 2022 में। जो बैठने वाले हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जो है वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि एग्जाम में आने वाला है। आज जो है अदर चीज इसमें नहीं बताया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर भी है इसमें शामिल है, और जो गेस क्वेश्चन है वो भी शामिल है। जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके जो है नंबर ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 2018 में एक बार क्वेश्चन जो आया था वो इस बार आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे इसी प्रकार का जो भी क्वेश्चन है वो आने वाला है, ठीक है? 2018 के ए था और गणित विषय से जो की एग्जाम पढ़ा था 24/2/2018 में, 24 तारीख के जो पढ़ा था प्रथम पाली में यानी फर्स्ट सीटिंग में, उसी का क्वेश्चन वन जो है अच्छा से ध्यान से देखना है और अच्छा से पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा, और बहुत ही इजी है। ये नहीं है कि इसमें बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजी तरीका से बनेगा और मैं अभी आपको जो है ये क्वेश्चन पूरा बना के दिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग फटाफट, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समवर्तक निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन में इस तरह पूछ दे तो हम लोग को वो बनाना जरूरी हो जाता है उस नियम से, ठीक है? तो उस नियम से बनाने से पहले आपसे यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, हल या सोल्व या सोल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे हल, हिंदी वाले हैं तो हल लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हल, आज जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे कि दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है वो लिखना है। ए वही मानेंगे जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, यहाँ पे 870 बड़ा वैल्यू है तो 870 को ये माने, और बी किसको मानेंगे, बी मानेंगे 225 को, 225 हो गया। अब जो है ये नियम जो कह रहा है उसी नियम से हमें क्वेश्चन बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से कह रहा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम लिखेंगे, चलिए इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका नियम क्या कहता है, कहता है ए बराबर बी इंटू क्या होगा, क्यू प्लस आर, और इसका कंडीशन भी है, कहता है जहां जीरो जो है जीरो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है आर से, या बराबर हो सकता है, आर का वैल्यू जीरो हो सकता है, और फिर कह रहा है कि बी कभी भी आर से छोटा नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका नियम। अब इस नियम से बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉफ में काम कर लेते हैं, क्योंकि रॉफ में काम करने से आपका जो है काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉफ में हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ये है कि रॉफ काम यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 225 में भाग देना है 870 से, अब इसी को फॉलो करना है, तो इसे 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 675। अब जो 675 आ गया इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 195, कितना आ गया 195। अब देखिए ये तो वैल्यू हम लोग ए माने थे और ये वैल्यू बी माने थे और ये वैल्यू हमारा क्यू है, और जो शेष बचा यानी आर, शेष को आर से डिनोट करते हैं तो शेष 195 हो गया है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 870 है तो लिखेंगे, फिर बराबर है ये वाला तो बराबर लिखेंगे, बी का वैल्यू आपका कितना है, बी का वैल्यू है 225 तो 225 और गुणे क्यू का वैल्यू है 3 और प्लस आर जो है शेष आ गया है 195। अब यहाँ लिखेंगे जो कंडीशन है उसी को हम लोग लिखने वाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग जहाँ, यहाँ पे जहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे,
यहाँ लिखेंगे जहां जहां r बराबर क्या लिखेंगे, जहां r बराबर नॉट जीरो, यानी r का वैल्यू क्या हुआ है, जीरो नहीं आया है, ठीक है, तो r बराबर नॉट जीरो। और फिर दूसरा स्टेप चलेंगे, यहाँ पे ये 225 है, इसको अंदर कर देंगे 225, अब भाग देंगे तो एक बार में आएगा, तो 195 में से 225 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 30। अब 30 को यहाँ पे उसी तरह, ये a का वैल्यू है, क्या है, a का वैल्यू है, और ये b का वैल्यू है, और ये q का वैल्यू है, और ये जो शेष आया है हमारा r है 30। तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे a 200, यहाँ क्या हो गया 225 बराबर कितना है 195 गुणे कितना आएगा, q का वैल्यू कितना आया है 1, और प्लस r का वैल्यू कितना आया है 30, तो r का वैल्यू 30 लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे जहां जहां r का बराबर, यानी r बराबर नॉट जीरो, ठीक है, यहाँ भी r का वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं आया है। और फिर यहाँ पे 195 को यहाँ रखेंगे, और इससे जो है हम लोग करेंगे गुणा, यानी 6 × 3 = 18, यानी 180, यानी 195 में से 180 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15, ठीक है, तो 15 आ गया। उसी तरह यहाँ लिखेंगे 195 बराबर कितना आ गया, 195 जब हम लोग ये थे तो हमारा 195 के बाद यहाँ पे लिखना होगा क्या चीज, 30, यानी 30, ठीक है, और 30 के बाद क्या होगा गुणा 1, 1 कितना आया है आपका, q का वैल्यू 6 और प्लस r का वैल्यू 15, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा जहां r बराबर नॉट जीरो। अब फिर दूसरा स्टेप चलेंगे, यहाँ पे 30 को अंदर करेंगे और 15 दुना 30, तो 30 हो गया, तो ये कट गया, तो पूर्ण रूप से यानी घटाएंगे तो r का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे कि जो है 30 बराबर कितना आ गया 15 गुणे 2 प्लस जीरो। देखिए यहाँ पे जहाँ पे r का वैल्यू जीरो आएगा वही हमारा b का वैल्यू क्या होता है, r बराबर जीरो आ गया है, तो जहाँ r का वैल्यू जीरो हुआ वही हमारा b का वैल्यू आंसर होता है, यानी एच सी एफ कितना है हमारा b का वैल्यू, तो यहाँ पे भी b का वैल्यू हमारा एच सी एफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अत 870 और 225 का मस, या जो है एच सी एफ लिख सकते हैं मस बराबर कितना आया है 15, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 2 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस पर ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो जूम कर लिए। अब जो है हम लोग इसको जूम आउट, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, चलिए अब जो है हम लोग इसको नीचे की ओर लाते हैं क्वेश्चन को और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ये थोड़ा जो है दूसरा चीज है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या क्या है, 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। जब शांत अशांत का जब बात आएगा तो इस नियम को हमें ध्यान में रखना होगा, कौन सा नियम, ये यहाँ पे नोट लिख दिए हैं, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का विभाज्य यानी अभाज्य गुणनखंड, कौन सा अभाज्य गुणनखंड, n के पावर 2 के पावर n या m के पावर 5 के पावर m, या यानी इस रूप में या इस रूप में, या जो है 2 के पावर n या मल्टीप्लाई 5 के पावर n, इसमें से किसी भी रूप में रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो उसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका जांच कर लेते हैं, तो यहाँ करेंगे हम लोग हल, तो यहाँ पे हल करते समय ध्यान देना है आप लोग को कि जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 13/343, तो ये जो होता है इसका होता है
ये होता है हमारा अंश, ठीक है। ऊपर वाला का होता है, ऊपर वाला हमारा होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक है। नीचे वाला हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हर। तो हर का जो है हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे साइड में, ठीक है। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 343 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो ये जो है आपका 7 से निकलेगा, तो यहाँ पे चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ 7 से जब निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 49। कितना आ जाएगा? 49, ठीक है। तो फिर 49 को 7 से निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका? फिर 7 सते 49 और फिर 7 से तो 1 आ जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो इस तरह से कितना पावर आ गया, यानी 7 × 7 × 7 बराबर, इसको हम लोग देख सकते हैं 7³। तो देखिए, तो यहाँ इस रूप में है कि नहीं, पावर है ना, 7 के ऊपर क्या है? पावर है। पर कह रहा है कि 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो ये क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। तो जब इस तरह का रहेगा, इसी को हम लोग को यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखेंगे बराबर, कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 13/343, ठीक है। और उसके बाद 13/, यहाँ पे लिखेंगे 7 × 7 × 7 और फिर बराबर में लिखेंगे 13/, कितना? 7³, ठीक है, 7³, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये पावर है। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखना है 7³। अब ये जब 7³ हो गया तो इस रूप में नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाए जा सके, यानी ये तो नहीं आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका गुणनखंड, क्या लिखेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2^n या 5^m का रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव दशमलव प्रचार क्या होगा? दशमलव प्रचार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा, अशांत है। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर ये भी हो गया फाइनल, और अगला क्वेश्चन भी फाइनल हो चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।